आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुख करते हैं खबर की ओर। गाजीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में माफियाओं और तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लगातार माफिया तस्करों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर हेरोइन की तस्करी करने जा रहे 3 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार करते हुए अभियुक्तगढ़ के पास से नाजायज हेरोइन मादक पदार्थ, 40,000 रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आज हमारी थाना जंगीपुर पुलिस शॉर्ट सर्विलेंस ने क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एक उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसमें इनके द्वारा चेकिंग के दौरान जंगीपुर थाना क्षेत्र में बैसो नदी पुल के पास 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास भारी मात्रा में मादक पदार्थ, लगभग 1 किलो 80 ग्राम हेरोइन पाउडर, जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है, इसके अलावा इसी कृत से इनके द्वारा कमाए गए 40,000 रुपये और एक संदिग्ध मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई है। जो बरामद ड्रग है इनके पास से जो बरामद किया गया है उसकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर है लगभग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। सर, इस गोरखधंधे जैसा आप लोगों को विदित है, अभी 3 दिन पहले ही पकड़ा गया था, क्योंकि जितने भी मादक पदार्थ में लोग लगे हुए हैं उनकी कमर तोड़ने के लिए गाजीपुर पुलिस जो है वो निरंतर प्रयास कर रही है, और इनसे भी कुछ लीड मिली है। मैंने उस समय भी बताया था कि कुछ लीड मिल रही हैं, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत इन्हें जेल भेजना है। इनसे भी कुछ लीड मिली है, हो सकता है कुछ और लोग इसमें धर दबोचे जाएँ जो इस गोरख धंधे में लगे हुए हैं। सर, इसमें जो पकड़े गए, क्या इसमें कोई सरकारी कर्मचारी भी है? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। ये तीनों लोग जो है अपना अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक करीमुद्दीनपुर का है, एक कोतवाली का, एक करंडा का, एक नेक्सस है और टटोला जा रहा है। इसमें विभिन्न व्यवसाय में लगे लोग संलिप्त पाए जा रहे हैं। जैसा होगा आपको आगे बताया जाएगा। थैंक यू। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।